नमस्कार। तो कैसे आप सब, होप करते चलो अच्छे हो। तो गाइस आज की वीडियो में हम आप लोग लेकर के एक बेहतरीन गाड़ी जिसका नाम है मारुति सुजुकी इको, जिसमें आप सामान भी ढो सकते हैं, चाहे तो अपने फैमिली को भी ढो सकते हैं, यानी कि बहुत ही मस्त गाड़ी है। तो आप देख सकते हैं 7 सीटर गाड़ी से बोला जाता है, पीछे में भी आपको सीट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट में भी। कंफर्टेबल का बात करें तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट मिल जाता है, क्योंकि मारुति सुजुकी की गाड़ी आपको पता ही है। और इंजन का तो बात करेंगे नहीं, और माइलेज की भी बात नहीं करने वाले इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कंपनी में मैं मतलब बिलीव करता हूँ, जिससे आपको भी बिलीव हो ही जाएगा गाइस, क्योंकि मारुति सुजुकी पता ही है, इन दोनों के लिए जाना जाता है। इंजन हो गया आपका और साथ में माइलेज आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आप देख सकते हैं आपको फ्यूल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कौन सा गाड़ी है, पेट्रोल या डीजल, वो भी आपको मैं बता लूँ, CNG लगाए कि नहीं, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका डोर ओपन होता है एंड यहाँ पर आप इंटीरियर देख सकते हैं अंदर का। तो गाइस ये है रियर सीट, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सीट देखने को मिल जाता है। कंफर्टेबल का बात करें काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप फ्रंट में देख सकते हैं, आपको कुछ इस टाइप का फ्रंट में देखने को मिल जाता है। और बैक का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा CNG किट लगा हुआ, जैसे कि आप देख ही रहेंगे, और साथ में आपको पीछे में दो दो सीट देखने को मिल जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, 7 सीटर बोले, 10 सीटर बोले, 12 सीटर बोले, गाड़ी मस्त है, क्योंकि इतने इतने लोग ईजिली इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो गाइस आप खुद काउंट भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा गाड़ी है, काफ़ी लंबा गाड़ी है, उसमें CNG किट तो जैसा कि आपने देख ही लिया कितना बड़ा है। तो गाइस बहुत अच्छा CNG इसके अंदर आट जाएगा, कितना KG अट्टा मुझे पता नहीं, जिस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, नहीं तो अभी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं सुजुकी का शोरूम के पास ये गाड़ी लगा हुआ है, तो बिल्कुल शोरूम कंडीशन गाड़ी है। कितना किलोमीटर चला हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 78,443 किलोमीटर चला हुआ, तो डायरेक्टली मैंने आपको मीटर के अंदर ही दिखा दिया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको 1000 लैंप का बटन देखने को मिल जाता है, जो कि स्टेयरिंग के जस्ट ऊपर देखने को मिल जाएगा एंड स्पीडोमीटर देख सकते हैं 180 का आपको इसके अंदर टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर इंजन लाइट से लेकर के सारा कुछ लाइट आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में कोई इंजन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गाइस इसका इंजन आपको सीट के नीचे देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस टाइप का इस गाड़ी का डिज़ाइन ही किया गया। फ्रंट में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है गाइस कूलेंट वलेंट जो डाला जाता है, सब कुछ आपको आगे में देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इंटीरियर का बात करें तो गाइस इंटीरियर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटीरियर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आपको AC वेंट देखने को मिल जाता है, आप देख रहे होंगे चार AC वेंट देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। आपको गाइस कूल और हीट दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि गर्मी हो या ठंडी दोनों आप AC का मज़े ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। एंड गियर बॉक्स आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है एंड बीच में आपको हॉर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हर गाड़ी में देखने को मिलते हैं। एंड इसमें आपको पावर विंडोज देखने को नहीं मिलेगा, ना फ्रंट ना आपको बैक, दोनों आपको मैनुअली विंडो देखने को मिल जाते हैं। और भी मैं गाइस इसका डिटेल बता दूं तो मारुति सुजुकी इको 2018 मॉडल है, CNG फिटेड है, 5 स्टार प्लस, ठीक है, HRT CNG वेरिएंट गाड़ी है। प्राइस का बात करें 4,30,000 इसका प्राइस है, जो कि नोगेटेबल, यानी प्राइस कम हो सकता है, सो डोंट वरी गाइस, प्राइस कम हो जाएगा, टेंशन उसका ना ले बिल्कुल भी आप। पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, पेट्रोल में CNG फिटेड है, सो टेंशन ना ले। और किलोमीटर तो मैंने आपको बताई दिया। गियर बॉक्स का बात करते तो गाइस मैनुअल गियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है एंड ऑनर का बात करते तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, आप लेंगे तो आप बन जाएंगे सेकेंड ऑनर, सेक्टर 28B चंडीगढ़ का गाड़ी है। तो गाइस लोकेशन में मैंने आपको अच्छे से इस बार बता दिया है, तो आप लोकेशन देख सकते हैं, साथ में वो कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर का दे दूंगा, सो टेंशन ना ले। गाइस गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, एयर कंडीशन विद हीटर के साथ आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया था स्टार्टिंग में। बैटरी का बात करते तो बिल्कुल न्यू बैटरी एंड ब्लूटूथ आपको देखने को इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। व्हीकल सर्टिफिकेट का बात करते तो गाइस वो भी देखने को मिल जाएगा एंड इंश्योरेंस का बात करते तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस गाड़ी का कराया हुआ है, सो टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले पेपर का। लॉक सिस्टम का बात करते तो सेंट्रल लॉक देखने को मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, पावर विंडोज आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। गाइस AM/FM रेडियो का बात करते तो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन पे इसका तो CH का स्टेशन पे से, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन बता ही दिया है। गाइस सर्विस हिस्ट्री गाड़ी का अवेलेबल है, तो आप सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं एंड गाड़ी फाइनेंस आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, यानी कि फाइनेंस आप चाहें तो इसका करा सकते हैं, आपके पास डायरेक्टली इतना पैसा नहीं है लेने का, तो ठीक है। टायर कंडीशन का बात करते हो तो बिल्कुल ओके है, यानी कि न्यू टायर है। गाइस आपको ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, जिससे आप इजिली इस गाड़ी को बाई कर सकते हैं, यानी अपने घर ले जा सकते हैं। तो गाइस डिस्प्ले पर नंबर शो होगा, ये है ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर, साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा ऑनर का, करना कुछ नहीं, इस नंबर पर कॉल करना है एंड ऑनर से बात करना है, प्राइस डिस्कस करना है, गाड़ी को जाके देखना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, पसंद आता है तो बेशक लिए, अदरवाइज मुझे कमेंट करें, दूसरे गाड़ी का मैं रिव्यू कर दूंगा। होप करते वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।